नमस्कार दोस्तों, मीठे रसीले आम हर किसी के पसंदीदा होते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े। और उसी आम की बनती है ढेर सारी तरह तरह की रेसिपीज। उसी में से एक होता है मैंगो जैम, बच्चे बड़े सभी का मनपसंद। सीजन चल रहा है अभी मैंगो का ही, तो क्यों ना घर बैठे हम बनाएं बिना जिलेटिन, बिना अगर अगर के, केमिकल फ्री, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिल्कुल मार्केट जैसा स्वादिष्ट और सस्ते में मैंगो जैम। तो आज की हमारी रेसिपी है दोस्तों मैंगो जैम, आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरत के हिसाब से आप अपने मैंगो ले लीजिए। आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं जो सीजनल होते हैं, मिलते हैं आसानी से आपके आसपास में, वही मैंगो ले लीजिए। जितना बनाना हो उतनी मात्रा इनको सबसे पहले धो लीजिए, छिलके उतार कर इनको छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। आम धो लिए हैं, छिलके उतर गए हैं, टुकड़े भी कट हो गए हैं और अब मैंने इनको एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आम हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से पीस चुके हैं और इनका बिल्कुल सही तरीके से पल्प बन चुका है। अब मैंने ले लिया है एक पैन जिसमें सबसे पहले तो हमने ये जो आम का पल्प बना के रखा था वो सारा ही इसमें डाल देंगे। इसके सिवा दोस्तों हम इसमें डालेंगे एक छोटा आधा कप जितना चीनी। यहाँ पर आम मीठा है दोस्तों, तो ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इस पैन को हम गैस पर गर्म होने के लिए मीडियम आंच पर रख देंगे। पैन को गर्म होने रखने के बाद बीच बीच में हम इसको चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे और आंच जो है उसको हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं मिश्रण जो है वो तौल में लग चुका है। बस इसी तरह हमको चलाते हुए थोड़ा थोड़ा इसे लगभग 3 से 4 मिनट तलक और तौल में देने के लिए छोड़ देना। सिर्फ 5-6 मिनट के समय में लगातार चलाते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये जो मिश्रण है वो काफी लचकदार हो चुका है। बस इसी वक्त हमको गैस जो है वो बंद कर देना है क्योंकि अभी ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ा होगा। गैस बंद करने के बाद हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैम जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ठंडा हो चुका है और बिल्कुल लचकदार हो चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसी कंसिस्टेंसी वाला। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट सूखे कांच के जार में भर लेंगे। मैंगो जैम हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। आपके सामने मैंने इसको परोस दिया है मैंगो से ही गार्निश करके, बिना किसी केमिकल के बनने वाला, ना प्रिजर्वेटिव, ना कोई आर्टिफिशियल कलर, ना ही जिलेटिन और ना ही अगर अगर, आसानी से घर में बनने वाला सिर्फ 5 या 6 मिनट में। बच्चे रोज खाएंगे तो भी कोई चिंता नहीं है, फलों के इसमें गुण है और घर पर बना हुआ है। आप सामने से देंगे और बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, इतना स्वादिष्ट। सिंपल सी रेसिपी, फटाफट बनने वाली और ज्यादा ही ज्यादा फायदा करने वाली। ट्राई करिए, कैसी बनी मुझे बताइए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।